चले जी बारी आ गई है हमारी, ठीक है, काफ़ी सारी टर्न्स के बाद, लेकिन अभी पता चला कि आगे भी हमने वेट करना जाके, तो अभी वहाँ भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये केबल कार आगे जी बारी आ गई है हमारी, ठीक है, काफ़ी सारी टर्न्स के बाद, लेकिन अभी पता चला कि आगे भी हमने वेट करना है जाके, तो अभी वहाँ भी देखेंगे इंशाल्लाह। 15-20 मिनट तो यहाँ लगे हैं, आगे भी देखते हैं कितना वेट करना है। तो वो पार हमने जाना है, इधर हर्ट्स जहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इधर ये अंकेल का मैदान है जी। पाक आर्मी के जवान यहाँ पे जो है वो आईडी कार्ड वगैरह लेते हैं, उसके बाद जो चेक करने के बाद जाने देते हैं। यार इस दफ़ा ये सीन है यहाँ पे, केबल कार में सवार होने के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है, पीछे वेट करके आए और ये जो है वो वेटिंग पे लगे हुए हैं सारे। देखें आप जो है इतनी खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए जो है वो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ही। वेटिंग स्पॉट पे आपको प्राइस वगैरह मिलेंगे अभी जो है वो, मैं भी कोशिश करता हूँ मुझे भी मिल जाए। यार प्राइस देना भाई, ले लेते हैं यार जितने के भी दे दें, एक हाफ एक प्लेट दे दें। ये हमारे भाई जो है वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी देर से वेटिंग पे लगे हुए भाई जान? एक घंटा हो गया। पहले आए हैं आप अड़ंगेल, फिर आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये वेट शेट जो है वो कुछ भी मानी नहीं रखता, आपको बड़ा मज़ा आने वाला वहाँ पे जाकर। जी जो सफ़र 2-2.5 घंटे में पैदल होना था वो 1 मिनट से भी कम वक्त, तकरीबन 55 सेकंड के अंदर हो जाता है। ये केबल कार के थ्रू हम आ गए यहाँ पे अड़ंगेल के नीचे तक, और अब यहाँ से जो है वो हम वॉक करके जाएंगे, बिल्कुल जो है वो पूरा ट्रैक है, ट्रैकिंग करेंगे ऊपर तक इंशाल्लाह। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यकीन करेंगे, एक तो जंगल के बीचों बीच जब आप जाएंगे यहाँ से बड़ा मज़ा आएगा आपको, और दूसरा ये कि एक थकावट का एहसास जो है वो ऊपर अड़ंगेल के मैदान में पहुंचते ही ख़त्म हो जाता है, तो ये थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। केल जब आप आ जाएं, केल बाज़ार से फिर आप जो है वो केबल कार तक, केबल कार से फिर यहाँ तक, यहाँ से फिर जब आप पैदल चलेंगे तकरीबन मुझ जैसे निकम्मे को तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग जाता है, जो चलने के आदी हैं उनके लिए ज़रा आसान होता है। तो
ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आधा घंटा आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये कि जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपके पैसे वूसे पूरे हो जाने, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ से हम स्टिक्स वगैरह लेंगे अगर यहाँ पे मिलती हुई, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो स्टिक वगैरह मिलती थी, उसे इस्तेमाल करके जो है वो बड़ा आसान है। अभी अंकल बता रहे हैं कि नीचे वापस जाना पड़ेगा लेने के लिए, ऐसे ही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू हुई है अभी। देख बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट सब रात आते हैं। और ये मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि नीलम वैली का वो स्पॉट है टूरिज्म का, अगर इसको विजिट किए बगैर कोई चला जाए नीलम वैली से तो इट मीन्स कि आपने टूर जो है वो नहीं किया, आपको दोबारा आना चाहिए। ये बहुत मज़ेदार है, ऊपर चल के इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि मौसम की शिद्दत होती है, लोकल ही हूँ तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं है। जब आप दूर दराज से आएँ तो फिर आपके पास जो है वो प्रॉपर किट होनी चाहिए कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, शूज़ होने चाहिए प्रॉपर, को अपर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे एकदम मौसम जो है वो तब्दील हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। आगे की बात साइड में, रेस्ट एरिया देखें आप जो है वो कितना शानदार है। कहाँ से आए हो मैं आप? हम पिशावर से आए। पिशावर से आए हो जी बेटा, एंजॉय किया फिर आपने ऊपर? बहुत एंजॉय किया, खूब एंजॉय। कैसा किया? लगा आपको यार? उसको नहीं आते फिर तो। अच्छा पश्तो बोलते हो? पश्तो बोलते हैं। स्तास तर के खस्ता दी थैंक यू तो बोलो यार। अच्छा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा पैदल अच्छा चलना मुश्किल है ऊपर तक? मुश्किल है थोड़ा बहुत, मुश्किल है जवानों के लिए नहीं है लेकिन बूढ़ों के लिए है। यानी मेरे और आपके लिए मुश्किल है? नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं, धूप से भी बचाया गया है और बेहतरीन बैठने का इंतज़ाम भी किया गया है, डस्टबिन भी रखी, तो ये अच्छा है यार। अभी हाइकिंग है। एक अच्छी बात यहाँ के लोगों की ये है कि रास्ता चाहे जो है वो घंटे का भी बाकी है, वो कहते हैं बस 5 मिनट रह गए हैं, यानी हौसला आपका बढ़ाते रहेंगे लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। जा रहे हैं देखते हैं क्या चीज़। थैंक यू, बस आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है? थैंक यू यार, ज़्यादा नहीं है, चले ऊपर आके डील करते हैं आपके साथ। ये रेस्ट एरिया 4 में हम बैठे हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा रह गया, अड़ंकेल पहुँचने वाले हैं हम लोग। और खान साहब को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि प्यारे खान साहब न्यूट्रल्स पे जो है वो हाथ होला रखा करें, बड़े बड़े अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं, देखें रेस्ट एरियाज बनाए हैं, पहले नहीं होते थे ये, तो ये बड़े शानदार है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि रेस्ट एरिया कितना ज़बरदस्त है, ये देखें यहाँ से जो है वो टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। और ये देखें SCO स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो यहाँ पे डस्टबिन्स भी रखी गई हैं। अच्छा नहीं, नेटवर्क अच्छा है बस थोड़ा सा जो है वो, तो ये दानिशा बैठे हुए हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे 5-1 मिनट, उसके बाद फिर हम जो है वो इस रास्ते से ये जाते जाते जो है वो देखिए वहाँ से लोग जो है वो उतर रहे हैं, जो भी मिलता है कोई कहता है 5 मिनट को, 10 मिनट को, 15 मिनट, बस यार फैसला हो जाएगा अभी। कहते हैं ना कि उस समत को चलते हो तो इतना उसे कहना, अब कोई नहीं हरफे तमन्ना उसे कहना, कुछ लोग सफ़र के लिए होते नहीं मौजू, कुछ रास्ते कटते नहीं तनहा उसे कहना, ज़रख़ेज़ ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उसे कहना। तो अभी जो है वो कुछ और टूरिस्ट आजाद आ गए हैं यहाँ पे रेस्ट एरिया 4 में, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे। बस अब आप देखते जाइएगा कि एकदम जो है वो कैसे हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं एक पल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ठीक है जी, ये हम हड़ंगकेल के मैदान में आ गए हैं सर। सुभान अल्लाह, ये है जी अड़ंगकेल। अभी आपको पूरा विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत टाइम लगता है यार, लेकिन जबरदस्त है, सारी थकावट उतर जाती है इधर आके, इतना मजेदार है। और दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अभी आपको विजिट करवाएंगे यहाँ पे। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह जो है वो कैंपिंग वगैरह भी की जाती है आपको यहाँ पे। गेस्ट हाउसेस भी बनाए गए हैं, इजीली आपको जो है वो तमाम तरह फैसिलिटीज मिल जाएंगी जो यहाँ के माहौल के मुताबिक जो है वो मुयसर आ सकती है। ले जी, बट कढ़ाई भी नज़र आ गई है इधर हमें।